मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी, मंगलवार का दिन है ये और मॉर्निंग का टाइम है। बिल्कुल अंधेरा हो रखा है बाहर, ये देखो बिल्कुल भी दिन नहीं निकला है। अभी जो है ना, बस मैं उठी उसके बाद जस्ट बाहर का व्यू आप सबको दिखा रही हूँ। और आज जो है ना, आँखें बहुत जल्दी खुल गई, मतलब जैसे कि अलार्म बोलता है ना, उससे भी पहले मेरी आँखें खुल गई आज। लेकिन फिर मैं सोई नहीं। ये देखो बाहर है ना, कुएं पे लाइट चली हुई है। हमारे घर के बाहर कुआ है ना, वहीं की। अब ये देखो 5:45 के आसपास का टाइम हो रहा है, मतलब 5:40 ही हो रहे हैं अभी। तो बस उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे बस उठ गई। फिर उसके बाद लाइट्स वगैरह ऑन की है मैंने, अभी तक कोई नहीं उठाया पूरे घर में, ऊपर से नीचे तक, मतलब चारों पाँचों फ्लोर जितने भी हैं ना हमारे, सब पे कोई ना कोई सोता ही है, लेकिन अभी तक कोई नहीं उठाता, बस मैं उठी थी। तो मैं सोचा कि कुछ देर मैं घूम लेती हूँ, मतलब 6:45 तक मैं आराम से घूम सकती हूँ। अब सुबह सुबह का जो मॉर्निंग वॉक है ना, वो हम बाहर तो जा नहीं सकते, तो घर में ही हो जाती है। और काम इतना हो जाता है कई बार, तो मॉर्निंग वॉक का तो टाइम मिल ही नहीं पाता। तो बस अभी जो है ना, घर में ही मॉर्निंग वॉक कर रही थी मैं, और थोड़ा थोड़ा सा बच्चों को उठाए जा रही थी, क्योंकि काव्या आपको पता ही है कितना टाइम लगाती है, बहुत ज़्यादा लेज़ी काम होते हैं उसके, और इसी वजह से ना उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो जी, बस घूमते घूमते मैंने गर्म पानी भी कर लिया, अब एक ग्लास गर्म पानी भी मैंने पी लिया है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे फिर लगातार मेरे चक्कर लग गए, करीब 20 से 25 चक्कर तो आराम से लग ही गए होंगे। और सच बताऊँ तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो चलिए फ्रेंड्स, अब मॉर्निंग वॉक तो हो गई है, तो बस स्टार्ट कर लेते हैं काम अपने। तो यहाँ पे जो है ना, सबसे पहले लगाऊंगी झाड़ू। तो जो मॉर्निंग वाली झाड़ू होती है, वो सबसे पहला काम होता है घर का, और उसी के बाद से सारे काम स्टार्ट होते हैं। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगानी है मुझे, और आवाज़ें लगाई तो सिर्फ काव्या को उठना तो हो गया, लेकिन फिर दोबारा से सो गई। मतलब एक बार उठ गई और फिर से सो गई, तो मुझे ये लगा कि उठ जाएगी, अभी तो बहुत टाइम है। और अभी बजे थे करीब 6। खुद नहाई है, देखो कितनी चमकदार लग रही है। ये देखो, लग रही है चमकदार? नहीं लग रही, मुँह नहीं चमक रहा इसको। अभी यहाँ हो रहा है चाय नाश्ता, ये देखो चाय है और पापड़। काव्या खा रही है बिस्कुट, अभी टाइगर क्रंच हैं। डब्बे में रखी थी ना तूने, दोनों की बेल्ट अपनी और वीरू की। उठ गया, ये देखो धैर्य। हेलो बोलो। तो जी, अब बच्चे चले गए स्कूल और मेरी हो गई क्लीनिंग स्टार्ट। तो उससे पहले, सबसे पहले मैं ये काम करूँगी, ये जो पर्दे हैं ना किचन के, ये मैं खोलूँगी। इनको जो है ना धोना है मुझे, तो मशीन मैंने लगाई हुई है, तो इनको आज धो दूँगी। तो अभी मेरे पास टाइम है नहीं कि मैं दूसरे पर्दे बना लूँ, इवन कपड़ा भी नहीं है, और शरादों में ना कपड़ा वगैरह भी नहीं खरीद पाई मैं। अच्छा होता कि उससे पहले ख़रीद लेती तो अच्छा रहता, तो मैं बना भी देती, लेकिन मैं ख़रीद नहीं पाई। अब क्या कर सकते हैं, तो इसी वजह से ना रह गए। अब तो है ना, इन्हीं को धो के लगाना पड़ेगा, फिर बाद में देखते हैं, जब भी जाना होगा ना तभी लेकर आऊँगी। तो अब यहाँ पे किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, और सबसे पहले मैं सारे डब्बे निकाल रही हूँ बाहर। तो ये सारे डब्बे मुझे उतारने हैं दोनों ड्रॉर के, और उधर जो है ना ये रखा हुआ है मयूर जग। तो मयूर जग जहाँ ये यूज़फुल है नहीं, तो इसकी जो टंकी है ना वो ख़राब हो गई थी, उसके बाद से मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। अब इसकी टंकी जब बदली जाएगी तब ये यूज़ होगा, और ये नहीं पता कि वो कब होगा। तो इससे अच्छा है कि मैंने इसको यहाँ पे रख दिया, क्योंकि पूरे काउंटर टॉप पे फैला रहता था, और एक छोटी सी चीज़ के लिए भी ना ये लगता था जैसे ये फालतू ही है, तो उससे जो है ना काउंटर टॉप घिरा घिरा सा लगता है, तो मैंने ये यहाँ पे रख दिया था। और उसके बाद जस्ट यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा बर्तन थे सारे मैंने निकाल दिए थे, और इसमें से ये एक ढक्कन मुझे मिला था, तो मैंने ये भी निकाल के रख लिया था, क्योंकि ये काम आ जाएगा दूध वगैरह के भगोने पे ढकने के। अब जी, ये ड्रॉर लकड़ी के हैं, धुलेंगे तो है नहीं, तो बस मैंने सर्फ़ का पानी लिया थोड़ा थोड़ा सा, और उसके बाद जो है ना ऐसे इनको एक एक करके साफ़ कर दिया। और डब्बे जो है ना मेरे सारे धुले हुए हैं, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने, लास्ट वीक जब मैंने इसमें चीज़ें अरेंज की थी, जब भी मैं ग्रॉसरी लेकर आई थी, तो सारे डब्बे ना मंजे हुए थे मेरे। अब जो एक दो रह गए हैं उनको मैं आज साफ़ कर दूँगी। और मैंने बर्तन भी बीच में, मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, किचन रैक के सारे बर्तन मैंने साफ़ कर दिए थे जैसे ही मुझे मौका लगा। अब ये होता है कि इस टाइम पे जो है ना सिलाई भी आ जाती है, कपड़े आ जाते हैं, तो सफाई वफाई का थोड़ा सा ऐसा सोचना पड़ता है कि मतलब कौन सी सफाई ज़रूरी है वो करनी होगी और कौन सी नहीं। तो ये जो डब्बे ऊपर रखे हुए हैं आप लोग देख रहे हैं, मिक्सी वगैरह,
ये सब अभी 3-4 दिन पहले ना उर्वी के पापा ने सारे हटा हटा के साफ़ किए थे, तो इनकी ज़रूरत इतनी है नहीं। अब यहाँ पे ये वाले ड्रॉर मैं साफ़ कर दूँगी, और मतलब ये ना लकड़ी वाले ड्रॉर हैं तो खाना पीना बनता है तो जो जो धुआं उठता है ना वो यहाँ पे जम जाता है आके। अब डब्बे तो साफ़ रह जाते हैं लेकिन इस ड्रॉर में ना आसपास में सारे में कीचड़ जैसे होता है ना, वो चिकनाई सी होती है, वो जम जाती है, उससे इतनी दिक्कत होती है साफ़ करने में बहुत ज़्यादा करके चीज़ें करूँगी। अब यहाँ पे जो है ना ऊपर वाला ड्रॉर मेरा साफ़ हो गया तो मैंने उसमें पेपर बिछा दिए हैं, अब जो है ना उसके डब्बे मैं उसमें लगा दूँगी। अब ये है कि मुझे ज़्यादा फैलावा नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फैला दूँगी ना फिर मेरे लिए ही काम बढ़ेगा, तो इससे अच्छा है मैं एक एक ड्रॉर करके ना एक एक करके सारे साफ़ कर दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले ड्रॉर में मैंने न्यूज़पेपर बिछा दी और ये हो गया। जो भी ज़रूरी चीज़ें थी जहाँ रखनी थी वो कर दी है, रख दी है वहाँ पे। अब जो है ना यहाँ पे नीचे वाले ड्रॉर में मैंने खाली कर लिया है उसको, अब उसको भी फटाफट से साफ़ कर दूँगी और एक न्यूज़पेपर इसलिए लगा दूँगी ताकि इससे क्या है ना सफाई दिखती है रहती है, मतलब अगर कुछ भी चीज़ें कोई गिरती है डब्बे वगैरह से कोई भी दिक्कत होती है ना तो वो सीधा पेपर पर आती है, मतलब इसमें नहीं लगती। अब इसी वजह से मेरे ड्रॉर है ना मेरे को साफ़ थे, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर बिछा के रखती हूँ, और इससे मेरे को एक फ़ायदा होता है कि न्यूज़पेपर ही गंदा होता है ड्रॉर मेरा। तो जी अब ड्रॉर वाला काम तो हो गया ख़त्म, सारे डब्बे वगैरह मैंने अरेंज कर दिए हैं, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। अब यहाँ पे किचन की बारी आती है काउंटर टॉप की, तो ये टाइल्स वगैरह है ना ये भी मुझे अच्छे से धोनी है आज, तो आज जो है ना क्लीनिंग डीप वाली होगी, क्योंकि क्या है ना कि परसों से नवरात्रि स्टार्ट है और जैसा कि आप सबको पता ही है कि मुझे चौकी जो है ना काउंटर टॉप के नीचे ही जो एरिया है उसी में लगानी पड़ती है। अब जगह की शॉर्टेज की वजह से वहीं पे चौकी लगानी पड़ती है, लेकिन जैसा कि अच्छे से लग जाती है, मतलब माता रानी आराम से बैठ जाती है वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होती, जगह साफ़ होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, आप चौकी कहीं भी लगाओ उससे क्या फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। जो भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं ना सारी फेंक दूंगी मैं आज, कोशिश यही रहेगी कि मेरी ज़्यादा किचन मेरा भरा भरा ना लगे। अब ये जो आरओ सिस्टम है, मतलब इसमें फ़िल्टर वाला जो पोर्शन है इसको भी अच्छे से साफ़ किया था, वैसे तो इस पर मैं कपड़ा ढक के रखती हूँ, ज़्यादा गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमी जाती है। अब उसको क्लीन करने के लिए मैंने लोहे का स्क्रबर ले लिया है और उससे जो है ना अच्छे से रगड़ ली थी इसको, लेकिन क्या है ना इसको धो नहीं सकते, ख़राब हो जाता है ये अगर मैं इसको पानी से धोऊंगी तो मैंने बस ऐसे गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दिया और इतना काफ़ी है मेरे लिए, तो मतलब इतना साफ़ हो जाए वो ठीक है, फिर ऊपर वापस से इसका कपड़ा जो है ना इस पर ढक दूंगी धो के अच्छे से। किचन काउंटर टॉप तो मैंने क्लीन कर दिया है, अब जो है ना बारी आती है यहाँ पे झाड़ू वगैरह, मतलब जितने भी हल्के फुल्के से जाले होते हैं ना छोटे छोटे से, वो जो नज़र नहीं आते उनको अच्छे से नज़र डाल के मारना पड़ता है ना कि हाँ अब यहाँ दिख रहा है छोटा मोटा, जैसे कई बार हम कैजुअली देखते हैं तो नहीं दिखता है, लेकिन जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तब हमें नज़र आता है कि हाँ छोटे छोटे से जाले हैं, और वो हमें तभी नज़र आते हैं या तो हम पूरे नहाए धोए होते हैं या फिर काम कंप्लीट हुआ होता है तब, लेकिन तब नहीं आता जब हम सफाई करते। तो आज मैंने छोटी छोटी सी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से देख के फिर उसके बाद उनको साफ़ किया है। अब जी यहाँ पे ये बर्तन की बारी है, बर्तन धुलेंगे, तो बर्तन सुबह से इसलिए नहीं धुले क्योंकि जो सिंक वाला पाइप वाला एरिया है ना वो भी हमने चेंज किया है, तो वो टूट गया था पहले वाला और गंदा भी बहुत हो रहा था वो पाइप, और जो सिंक वाला बीच वाला पोर्शन होता ना वो टूट गया था, तो वो नया लेकर आई है अभी अभी लगाया इन्होंने, तो बस अब लगा दिया है, तो बस क्लीनिंग हो रही है, अब अच्छे से पानी जा रहा है इसमें और ये अच्छा भी लग रहा है, तो जो सफाई है ना वो दिख रही है। अब जो है ना ये वाला एरिया रह गया था क्योंकि बर्तन वगैरह साफ़ हो रहे थे, और ये वाला एरिया अब मैं इसको क्लीन करूँगी अच्छे से, मतलब अब काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ से बाल्टी वगैरह भी सब हटा दी है, तो अब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा ये। पूरी क्लीनिंग के बाद
अब ये जो लास्ट बचा है मेरे पास, अब ये जो है ना शू रैक जो है ना, ये भी अच्छे से साफ़ करना है आज मुझे। तो मतलब इसका जो पेपर वगैरह वो सब हटा दिया मैंने, और विदाउट पेपर ही रखूँगी अब इसको। और जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना सबको फेंकूँगी आज, क्योंकि मुझे नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ सी लगती है यहाँ पर जीने के टाइम पर, मतलब जाने आने में ना, तो सीधी निगाह जो है ना इस पर पड़ती है। तो आज जो है ना मैं काफ़ी सारी चीज़ें इसकी फेंकने वाली हूँ, जो भी मतलब चप्पलें वगैरह जो अनयूज़ है उनको भी फेंक दूँगी, और जिससे जो है ना ये खाली हो जाएगा ज़्यादा। और न्यूज़पेपर बस ऊपर वाले पोर्शन पे मैं इसके लगा दूँगी, ताकि जो भी चीज़ें यहाँ रखनी होंगी ना वो मैं इजीली रख दूँगी। अब ऊपर जो है ना, जैसे बच्चों के सैंडल वगैरह जो मेरे को घर में रखने की जगह कम है ना, तो वो मैं रख देती हूँ ऊपर इसके। तो इसीलिए ऊपर वाले पोर्शन में मैंने पेपर लगा दिए हैं, और नीचे वाले में जो हमारी डेली यूज़ की चप्पलें वगैरह हैं, फुटवेयर, सारे इसमें रख दिए। तो जी कुछ एक सफाई मेरी रह गई है, जैसे बाथरूम क्लीनिंग वगैरह ये रह गई है, तो ये मैं कल करूँगी। अभी परसों से नवरात्रे हैं, आज का दिन है, कल का दिन है मेरे पास, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो गया था, धैर्य को लेने जाना है मुझे। तो जी चलिए इसी के साथ ये वीडियो भी आज यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।